नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज बना रहे हैं इडली सांभर, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सांभर मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए लिए हमने चने की दाल, उड़द की दाल, सूखा धनिया, लाल मिर्ची, मेथी दाना, जीरा, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, हल्दी, तेज़पत्ते, साथ में लिए हैं लहसुन की कलियाँ। इन सबको अच्छे से भून लेना है हल्का सुनहरी होने तक। और इधर हम नारियल काटेंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इनको भी अच्छे से भून लेना है, नीम में खुशबू आने तक भूनना है। और ये हमारे भुन चुके हैं, इन्हें थाली में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर हमने लिए इमली, इसमें डालेंगे पानी और दो मिनट के लिए कुकर में बॉईल कर लेंगे। और ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है, इसे मिक्सी जार में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। हमें हल्का दरदराई ही ग्राइंड करना है। और ये हमारा सांभर मसाला तैयार है। इधर हमने लिए सब्जियाँ, केला, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, सहजन की फरी, हरी मिर्ची, लौकी, इन सबको हमें अच्छे से छोटे छोटे पीसों में कट कर लेना है। ये सहजन की फरी है, इसके ऊपर से छिलके ऐसे इस तरीके से निकाल लें हैं, उसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। इधर हमारी सारी सब्जियाँ कट हो चुकी हैं, तो इनको डालेंगे हम कुकर में बॉईल करने के लिए। साथ में ही डाल देंगे जो सांभर मसाला तैयार किया है, वो भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे। और पानी हमें इतना डालना है जितने में ये सब्जियाँ डूब जाएँ, बाकी का पानी हम बाद में ऐड कर लेंगे। इधर हमारा ये इमली बॉईल हो चुकी है, इनका पानी निकाल लेते हैं, छान लेंगे। और ये हमारी सब्जी बॉईल हो चुकी है, इनको मिक्स कर लेंगे। इधर हमने छौंक के लिए सरसों का और नारियल का तेल मिक्स कर लिया है। इधर राई डाली है, लाल मिर्ची, कड़ी पत्ते और नारियल का बुरादा, इन सबको अच्छे से भून लेना है हल्का सुनहरी होने तक। तो इसमें डालेंगे हम सांभर जो हमने मिक्स करी थी, और साथ ही में डाल देंगे इमली का पानी। और आप पानी जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं, ये पतली सी अच्छी लगती है सांभर। इधर हमने इडली के लिए बैटर तैयार कर लेना है, इसमें डाला है दही, नमक, इस तरीके से बैटर तैयार कर लेना है। और इसमें खाना सोडा डाल के हमें इडली स्टैंड में ये बैटर को डाल देना है। और कुकर में पानी बॉईल करने के लिए हमने पहले ही रख दिया था, तो हमारी बैटर लग चुका है। इसे कुकर में डालेंगे, 6 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे इडलियों को। 6 से 7 मिनट में हमारी इडली तैयार हो जाएंगी। कुकर लगा के रख दिया है और ये हमारी इडली तैयार है। इधर हमने धनिया काट लिया सांभर के लिए, हमारी उबाल आ चुका था तो इसमें धनिया डाल दिया है। इधर इडली भी तैयार हो चुकी है हमारी, ठंडी होने के बाद अच्छे से निकल आती हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अंदर से इतनी सॉफ्ट रवादार इडली जैसी। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।